हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की बुक बिहाइव का थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल पढ़ेंगे, वह छोटी लड़की। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक छोटी लड़की जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है और उसको लगता है कि उसके फादर हमेशा गुस्सा ही करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती जाती है उसको लगता है कि पापा बाहर बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, जिसके कारण वो घर में छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता है और अपने पापा की फीलिंग्स को वो समझने लगती है। फिर उसको अपने पापा से डर नहीं लगता है और फिर वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। ओके बेटे, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। वह एक ऐसा व्यक्ति जिससे वह डरती थी, वह उससे दूर रहना ही पसंद करती थी या उससे दूर रहना ही चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह अपने काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, जैसे कि वह उसको एक किस करते थे या प्यार करते थे। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसके बदले वह अपने पापा को गुड बाय बोलती थी, अलविदा बोलती थी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और वह जब कहा करती थी कि उसके पापा जिस गाड़ी से जाते थे, जब उसकी आवाज धीमी और ज़्यादा धीमी हो जाती थी तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था या वह बहुत ज़्यादा आराम महसूस करती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही केम होम, जब वह घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम के समय जब वह घर आते थे तो स्टेयर्स जीने के पास वह खड़ी हो जाती थी और हॉल में उनकी जोर जोर से जो वह बोलते थे उनकी आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी, मेरी चाय ले आओ, इन टू द ड्रॉइंग रूम, ड्रॉइंग रूम में मेरी चाय ले आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया बेटे, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या। मदर, माँ, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जो उसकी माँ होती थी, जाओ और देखो। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, देखो कि मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है और मेरी स्लीपर्स जो मेरी चप्पल हैं उनको ले आओ। केसिया, मदर वुड कॉल टू हर, जो माँ जो है वो केजिया को बुलाती थी, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन केम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, केजिया यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने जो पापा हैं उनके जूतों को तुम उतार, कैन नॉट, क्या तुम उनके जूतों को, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आओ एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने पापा के जूतों को उतार दो। स्लोवली द गर्ल वुड स्लिप डाउन एंड स्टेयर्स, लड़की धीरे धीरे नीचे आती थी, मोर स्लोवली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और बहुत धीरे से वह उस हॉल को पार करती थी, एंड पुश ओपन द ड्रॉइंग रूम डोर, और वह उस ड्रॉइंग रूम के जो दरवाजा है उसको धक्का मार के खोलती थी या पुश करके खोलती थी, धक्का मार के। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टल्स ऑन द लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक अपना चश्मा लगाए वह रहते थे,
और वह उस लड़की को उस चश्मे के ऊपर से उस लड़की को देखते थे, जिससे कि वह लड़की क्या होती थी, डर जाती थी। वेल अच्छा केजिया, वेल केजिया अच्छा केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया जल्दी आओ और मेरे जूतों को उतारो और उनको बाहर, एंड टेक देम आउटसाइड और उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की हो? आई डिडंट नो फादर, पापा मैं नहीं जानती। यू डिडंट नो, तुम ना नहीं जानती। इफ यदि यू शटर लाइक द दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम इस तरह से हकलाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टूटर्ड विद अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बिल्कुल सही तरीके से रहती थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल अपने पापा के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, लेकिन अपने पापा के से अलग, क्योंकि उस समय वह बहुत ज़्यादा या कठिन परिश्रम करती थी कि वह सही से बोले। वह अपने पापा के सामने से सोचती थी, कोशिश करती थी ज़्यादा से ज़्यादा कि वह सही तरीके से बोले। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो विचिज्ड अबाउट, तुम इतनी दुखी सी क्यों लग रही हो, तुम इतनी दुखी कैसे दिख रही हो? मदर माँ, आई विश मैं चाहता हूँ यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, क्या तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या के कगार पर न दिखाई दे, कि ऐसा ना लगे कि यह आत्महत्या कर सकती है। हियर केजिया कैरी मी टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया यहाँ ओ आओ और जो मेरा चाय का कप है उसको बिल्कुल सावधानी से वापस मेज पर ले जाओ। ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ और विशेष रूप से उसका मुंह। व्हेन ही यंग, जब वह जंभाई लेते थे, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लिटिल थिंकिंग अबाउट अ जैन, तो जब वह जंभाई लेते थे तो उनका मुंह इतना बड़ा लगता था कि जैसे कि कोई दानव हो, ऐसा लगता था जब वह सोचते, ऐसा सोचती थी कि जब वह जंभाई लेते हैं और उनका मुंह इतना बड़ा लगता था कि जैसे वो कोई दानव हो। वन संडे, एक रविवार आफ्टरनून, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। रविवार को दादी जो केजिया है उसके ड्राइंग रूम में उसको भेजती थी, वह अपने पिता और माता के साथ, जिससे कि वह अच्छी अच्छी से बातें कर सके। बट लेकिन द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन उसकी जो वह छोटी लड़की हमेशा यह देखती थी कि उसकी जो माँ है पढ़ती रहती हैं, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, कि उसकी जो माँ है वे पढ़ती रहती हैं और जो उनके पिता हैं वह सोफे पर
लेटे रहते हैं। हिज हैंड कर्चीफ ऑन हिज फेस, और जो उनका रुमाल है वह उनके चेहरे पर होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनका एक पैर सोफे के सबसे अच्छे कुशन के ऊपर होता है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वह सोते हुए बहुत तेज तेज खर्राटे लेते हैं। सी सेट ऑन अ स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती। सी सेट, वह बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेस्ड, और उसकी ओर बड़ी गंभीरता से देखती थी जब तक कि वह नहीं जाग जाता था। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय नहीं पूछता था। देन लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखकर। एंड देन तब लुक्ड एट हर, तब वह के जा उसकी तरफ, लड़की की तरफ देखता था। डोंट स्टेयर, सो ऐसे घूर कर मत देखो। केजिया, केजिया ऐसे घूर कर मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, तुम जब ऐसे देखती हो घूर कर, तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम ब्राउन भूरा उल्लू की तरह तुम दिखाई पड़ती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज कैप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब उसको कोल्ड जुकाम हो गया तो उसको अंदर कमरे अंदर ही रखा गया, इंडोर्स घर के अंदर ही रखा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी ने उसे बताया कि अगले सप्ताह उसके पिता का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसको यह बताया कि वह अपने पिता के जन्मदिन पर उसको एक उपहार के रूप में पीले रेशम के सुंदर से टुकड़े पर एक कुशन या पिन कुशन बनाए। लेब्रेसली विद अ डबल कॉटन, उस लेब्रेसली परिश्रम करके विद अ डबल कॉटन दोहरे सूत से, द लिटिल गर्ल स्टिचेस थ्री साइड्स, उस लड़की ने उसके तीनों साइड्स या तीनों किनारे सिल दिए। बट लेकिन वॉट टू फिल इट विद, लेकिन वह उसे किससे भरे। दैट वॉज द क्वेश्चन, यह प्रश्न था कि वह अब उसे किससे भरे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो उसकी दादी थी वह गार्डन में थी या बागीचे में थी, बाहर बागीचे में थी। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वह अपनी माँ के कमरे में गई और वहाँ उसने जो छोटे छोटे कतरन को देखने के लिए वह अपनी माँ के कमरे में गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने वहाँ बिस्तर के पास रखी हुई मेज पर बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी बहुत सारी क्या देखे, पेपर की बहुत सारे पेपर देखे हैं, उनके शीट्स देखी। गैदर्ड देम अप, उसने उन सबको इकट्ठा कर लिया। टोर फाड़ दिया देम इंटू टिनी पीसेस, और उनको छोटे छोटे पीसेस में या टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उन टुकड़ों से उसने उस केस को भर दिया कुशन को। देन स्वीट अप द फोर साइड, अब उसने उसके चौथा जो हिस्सा था उस पर भी सिलाई कर दी।
दैट नाइट, उस रात, देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट ऑथरिटी हैड बीन लॉस्ट। उस रात उसने उस घर में बहुत ज़्यादा आवाज़ों को सुना, शोर सुना, ऐसा लग रहा उस आवाज़ों को उसने सुना जो वो पेपर थे, वो पोर्ट ऑथरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो बंदरगाह के या प्राधिकरण के जो पेपर थे उसके पिता के द्वारा लिखे हुए जो भाषण था उसने उसके पिता को वह नहीं मिल रहा था। रूम वर स्कैटर्ड, पूरा जो कमरा था उसको खंगाला गया या देखा गया। सर्वेंट क्वेश्चंस, नौकरों से प्रश्न पूछे गए, क्वेश्चन करेगा या प्रश्न पूछेगा। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंत में उसकी माँ केजिया की माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन आवर टेबल इन आवर होम। केजिया मैं सोचती हूँ कि तुमने हमारे कमरे में मेज पर रखे हुए कुछ कागज क्या नहीं देखे। ओ यस हाँ, शी सेड, उसने कहा। आई टोर, मैंने फाड़ दिए, एंड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको, उसने कहा, केजिया ने कहा, हाँ मैंने उनको फाड़ दिया और उनको उपहार वाले उसमें भर दिया। वोट क्या, स्क्रीम्ड मदर, उसकी माँ बहुत तेज से चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुम इसी समय सीधे ड्राइंग रूम में नीचे की तरफ आ जाओ या नीचे ड्राइंग रूम में चली आओ। एंड और शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको वह नीचे वहां लेकर गई जहां पर उसके पिता फोर हैंडिंग बिहाइंड हिज बैक, जहां पर उसके पिता अपने हाथ पीछे अपने पीछे बांधे हुए इधर उधर घूम रहे थे। वेल, अच्छा, ही सेड शार्पली, उन्होंने एकदम से कहा, अच्छा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने उसकी व्याख्या की। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, उसने जो इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे, उन्होंने वह बंद किया और उन्होंने उसकी तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, यह तुमने क्या किया। नो शी विस्पर्ड, नहीं ना, उसने नहीं, उसने धीरे से कहा। मदर, माँ, गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डेमन थिंग्स, माँ उसके कमरे में ऊपर जाओ और वे जो फटे हुए कागज हैं उनको लेकर आओ। शी दैट द चाइल्ड पुट द बेड दिस इनसाइड, देखो इसी क्षण इसे पीट पीट कर ऐसा कर दो कि यह बिस्तर पर ही लेटी रहे।